अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 साइंस, चैप्टर नंबर 3.1, टॉपिक मेन है जी आपका साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डिनरी नोटेशंस। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? ऑर्डिनरी आम, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिहाज से। अगर आपके कैलकुलेटर में बहुत सी बड़ी वैल्यू आ जाए ना, करोड़ों को अरबों से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना जवाब, तो आपका कैलकुलेटर आंसर नहीं दे पाता, वो आपके आंसर को 10 के मल्टीपल में दे देगा। चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैं कोनी में 60 मिनट से आपका वेट कर रहा हूँ, और एक तरफ मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। फर्क है, एक जहाज जाता है दुबई, यहाँ से जाता है दुबई, कितना जाता है उसे? उसे तकरीबन 400 मिनट लगते हैं जाते हुए। क्या लगते हैं? ठीक है आदिर भाई, नहीं समझ आई, क्या समझ आई? जब वापस आता है उसको 6 घंटे और 40 मिनट लग जाते हैं, क्यों? जब दुबई गया तो 400 मिनट में दुबई फ्रुच, दुबई के अंदर, जब वापस आया तो 6 घंटे लग गए और 40 मिनट भी लग गए, क्यों? उतरता भी है तो जब यहाँ उतरेगा, नहीं उतरेगा यहाँ पे स्टे भी होता है। जी कादिर भाई, अच्छा मनान भाई, 6 घंटे जो होते हैं ना, 6 × 60 = 40 मिनट, ये 400 मिनट ही होते हैं। समझ आई कि चली गई? ये तो बड़ा छोटे आंसर मिले ना, कि मैं पहले एक एग्जांपल दे गया था, अगर मैंने वो एग्जांपल ना दी होती तो ये हमारे भाइयों ने आंसर नहीं दे पाना था। कोई कहता वड्डा गेयर पा लेंदे ने तो जहाज तेज उड़ता है, कोई कहता था कि पहाड़ी वो उधर से नीचे उतरा उतरा जहाज जल्दी आ जाता है, हालांकि 400 मिनट और 6 घंटे 40 मिनट एक ही बात है। समझ आई? जो मैं आंसर लाऊंगा वो भी एक ही बात होगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या होगा? लॉन्ग फॉर्म में होगा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन हमारे माइंड में नहीं बैठती, ऑर्डिनरी बैठ जाती है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? पॉइंट को पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद भेजना है। पहली नॉन जीरो वैल्यू ये है कि ये है, वो भी तो पहली वैल्यू है, ये भी पहली वैल्यू है। चलिए मैं थोड़ी चेंजिंग करता हूँ, यहाँ मैं वन कर देता हूँ। अब पहली नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है कादिर भाई? क्यों वन क्यों नहीं? शाबाश, मैथ यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहली वैल्यू ये है, तो इस टाइम पॉइंट कहाँ पे कादिर भाई? आखिर में कहीं ना हो तो यहाँ होता है। वेल डन कादिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया। जब यहां से यहां आएगा टेन की पावर 8 और 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, क्यों? 8 मूवमेंट की वजह से। समझ आ गई कि चली गई है? अब यहां से वहां जाना है तो डिवाइड होना है, क्या होना है? इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट मेरा ऑटोमेटिकली यहां पहुंच जाएगा 6.00। पॉइंट के बाद दो वैल्यू रख लेनी चाहिए, पॉइंट के बाद दो वैल्यू रख लेनी चाहिए, और 10 की पावर 8 आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्या चली गई है? ये कौन सी नोटेशन आ गई? साइंटिफिक नोटेशन। इसी को मैं ऑलरेडी में लेना चाहूं तो क्या करूंगा, जस्ट 10 की पावर 8 का मतलब है 10 के साथ 8 जीरो लगा दूं, 1 के साथ 1 के साथ 8 जीरो लगाऊं, जो आएगा मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर वापस चले जाएगा। क्या करूंगा? जो लिखा है आप मल्टीप्लाई करवा दो, 10 की पावर 8 है ना, तो 1 के साथ 8 जीरो लगाओ और मल्टीप्लाई करवा दो। फिर देखिएगा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, 1 2 3 4 5 5 आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो गया, ये आ गया। अब 1 2 3 10 की पावर 3 हो गया और 10 की पावर, कोई इतराज तो फरमा दें। यहां से वहां जाने के लिए डिवाइड, तो क्या करूं? डिवाइड कर दिया, 2.75 आ गया और 10 की पावर 5 बच गया, कोई इतराज?
पहली नौ जीरो वैल्यू के बाद। अच्छा हमने अगर तक चले गए हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात, टेन की पावर सेवन। शाबाश, इधर हो गया। अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये खत्म हो गया, ये बच गया। यहाँ पे आया 1/10 3, ये नीचे ऊपर आया, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 3। तो इतराज तो बोल दे, बेसिस सेम है, डिवाइड है, पावर क्या होंगी, पावर दोनों आपस में क्या हो रही है, माइनस। वो पहले ही माइनस में था, उसे ब्रैकेट में डाल दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करके बताएं क्या आता है, 2.75 को 2.55 पे डिवाइड कर दें, है कैलकुलेटर किसी के पास, शाबाश। क्रिकेट खेलने जाएं, बैट के बगैर जाएं, क्या करेंगे वहां जाके जी, बस सबकी शक्ल देखे वापस आ जाएंगे। 6.875 वो पॉइंट अपनी इसी जगह पे है, अगर ना होता तो फिर कन्वर्ट करना पड़ना था मुझे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6.875 × 10⁸, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये किस में है, साइंटिफिक में, ऑर्डिनरी में, पॉइंट कहाँ लगेगा कादिर भाई, यहाँ के यहाँ, यहीं पे, ठीक है, खूबसूरत है। पहली नॉन जीरो वैली के बाद जाना है पॉइंट, तो पहली नॉन जीरो वैली कौन सी है, ये के ये, शाबाश। नॉन जीरो किसे कहते हैं आप, नॉन मुस्लिम किसे कहते हैं, मुसलमान, नॉन। नॉन जीरो क्या होता है, जो जीरो ना हो, तो ये क्या है, इनमें से किसी के साथ पॉइंट नहीं चाहिए, यहाँ पहुंचे तो इसके साथ चाहिए, ठीक है भाई। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, 10⁹ और 10⁹, ये वैल्यू एज इट इज उतार देनी है आपने, ठीक है मोहतरम। यहां से वहां जाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड है, मल्टीप्लाई है 3.95, ये नीचे आ जाएगा ना, ऊपर आए क्या हो जाएगा जी, 10⁵, दिस इज योर रिक्वायर्ड, मुश्किल है बेटा, अगले में आ जाए। ये ऑर्डिनरी में क्या क्या, साइंटिफिक में है, किसमें जाना है, कैसे जाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये मल्टीप्लाई करवा लेंगे आप लोग, अब इस पे आ जाएं, 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ है, तो नीचे क्या हो जाएगी, इसके एक आसान और खुलिया करवा दूं, पॉइंट खींचे वन आता है, एक दो तीन जीरो आते कट गया, ये आ गया, और एक दो तीन चार पांच के साथ लगा दे, कैलकुलेटर से जान छुड़ गई आपकी, ठीक है भाई, इस पे चले। ये नेगेटिव सीख नीचे क्या आएगा, पॉइंट उड़ाना आता है, 9018 10⁶ और 10⁵, समझ तो नहीं आ रही मेरे बेटे को, अब क्या होगा, ये 3 है ना, ये भी बेस है, यही बेस है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर माइनस। अरे भाई यार मुझे से पढ़ा दो, ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, पावर ऐड होगी माइनस होगी, मनान थोड़ा वेट कर लियो यार, 6 + 3 क्या होगा, अब क्या करेंगे, नीचे 9 0 लगा के और आसान कर दूं, कर दूं कि ना करूं, कितने जीरो हैं, 9, एक इसके नीचे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और 1, तो इतराज है तो बोल दें, ये हलवा तैयार कर दिया आपको मैंने, समझ आ गई है। अब देखिएगा, 0 इसका, ये 0 इसका, ये 0 इसका, ये 0 इसका, इसके लिए अपना एक 0 पर डाल दें,
और वन के ऊपर पॉइंट, वन के ऊपर जितनी वैल्यू उतने जीरो थे, जितनी वैल्यू उतने जीरो हो गए, और आगे एक एक्स्ट्रा जीरो डाल देते हैं। समझ तो नहीं आई? आ गई? मतलब ये जब खत्म करूंगा ये ऐसे में आगे उसके ऊपर चले जाएगा और नीचे आंसर क्या आ जाएगा, 0.00345 9018। आगे ये चली गई, अभी जीरो नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जीरो पॉइंट लगा दिया और ये भी रह गया तो क्वेश्चन का बेरकर हो गया। देखें तो माफ कीजिए, 0 1 जहाँ छोड़ा उसके ऊपर जीरो नहीं आना, क्यों, उसके ऊपर पॉइंट आना है, तो वन के ऊपर पॉइंट दे दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट से पहले एक जीरो लगा लेते हैं, आसानी हो जाती है, ना भी लगाए मसला कोई नहीं है। इधर हो गया, कहीं डाउट है? ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में, जब मैंने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ना उसमें ये टॉपिक आना है, साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी नोटेशन वाला, आगे फिजिकल न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ आनी है, जैसे टॉपिक फिजिकल फिजिक्स का है, यहाँ आपको मैंने क्लियर कर दिया। कल से लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे 3.2, ठीक है जी, आर्ट्स और साइंस इकट्ठा शुरू हो जाएगा। थैंक यू।